कुदरत की मार बांसवाड़ा के किसानों पर भी कहर बनकर बरसी। किसानों ने अपनी मेहनत से खेतों में फसलों की बुआई तो कर दी, लेकिन सितंबर महीने में आसमान से बर्फी आफत ने किसानों की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। बांसवाड़ा के किसानों ने मेहनत से खेतों में बुआई की, लेकिन कुदरत के कहर ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिले में सितंबर महीने में जो आसमानी आफत बरसी, उसने फसलों को जमींदोज कर दिया। गणेश उत्सव के तीन दिन के बाद लगातार हुई बारिश ने जिले में सोयाबीन, मक्का, चावल, उड़द और कपास की फसल को बर्बाद करके रख दिया। हमारा ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष से इस साल सोयाबीन में इतना खराबा है, मक्का में इतना खराबा है कि मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 70% नुकसान है, क्योंकि अभी फसल दिखने में और भी कुछ जगह देख रही है, लेकिन न तो उसके से फली में दाना बन रहा है और न ही फरी ढंग से पनप रही है। किसान को रोने के अलावा कुछ भी नहीं है, और बार बार प्रशासन को हमने इसके लिए अवगत कराया, लेकिन प्रशासन भी इसके और सही ढंग से ध्यान नहीं दे रही है। जिले में सोयाबीन की फसल की बुआई 27,572 हेक्टेयर में की गई, जिसमें अनुमानित नुकसान 60 से 70% का हुआ है। मक्के का भी कुछ यही हाल है, 98,186 हेक्टेयर में बुआई हुई, अनुमानित 60 से 70% खराबा हुआ है। खराब हो चुकी है और पीली पड़ गई है, और बारिश की अधिकता कम से कम उसमें जड़ गलन भी लग गया है और पौधे अपने आप सूखने लग गए हैं। लगभग हम मान रहे हैं कि 70 से 80% खराबा हो गया इसमें। इसी तरह उड़द की फसल में भी करीब 60%, कपास और चावल में करीब 20 से 30% का खराबा हुआ है। किसानों को सरकार से ही आस है कि खराबे का उचित मुआवजा उन्हें मिलेगा। कृषि अधिकारी कहते हैं कि वो खराबे का सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। बरसात होने से क्रॉप को नुकसान तो हुआ है सर, और उसका फील्ड स्टाफ से अपन ने सर्वे हमारा जारी है, और जैसा कि इसमें जो निर्देश हैं इसकी रिपोर्ट अपन आगे सबमिट कर देंगे, और जो इसके राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान होंगे, जिस तरीके से भी राज्य सरकार इस पर अपना निस्तारण करेगी, उसके लिए हम रिपोर्ट भेजेंगे। तमाम किसानों ने कर्ज लेकर फसल की बुआई की थी, लेकिन बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। लिहाजा देखना होगा कि अन्नदाता की जिंदगी पटरी पर कब तक और कैसे लौटती है। ये किसानों की एक ही आस है सरकार से कि सरकार इसका जल्द सर्वे कराए और इनको मुआवजा दिलाए। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।